घर का बना फ्रेश छेना या पनीर हो तो आप कोई भी मिठाई या कोई भी सब्जी बनाएं, स्वाद एक लेवल ऊपर होगा। और त्योहारों के समय पर शुद्ध पनीर मिलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, तो क्यों ना बिल्कुल फ्रेश और सुपर स्पॉन्जी पनीर हम घर पे बनाएं। मैं हूँ रश्मि, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे, नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि दूध नीचे तले में लगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिया है काउ मिल्क, 1.5 लीटर काउ मिल्क है ये। आप चाहे तो उसको फुल क्रीम दूध से भी बना सकते हैं, उससे इसकी क्वांटिटी और ज्यादा आएगी। तो ये दूध मैंने इसमें डाल दिया है, इसको हम बॉईल कर लेंगे। और जब ये इस तरह से बॉईल हो जाए तब गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद एक कटोरी में मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस और उतना ही इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसके बदले विनेगर भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम बारी बारी से इसमें डाल देंगे और मिलाते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे जब तक कि अच्छे से कर्डल हो जाए और इसका पनीर जो है बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध जो है फटना शुरू हो गया है और यहाँ पे देखिए वे जो है बिल्कुल अलग हो गया है। इसका जो ट्रांसपेरेंट ग्रीन पानी है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हमें इसे छान लेना है। इस तरह से छन्नी रखकर इसको छान लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश छेना हमें मिल गया है। इससे आप कोई भी मिठाई बनाएं, पराठे बनाएं, सैंडविच बनाएं, भुर्जी बनाएं, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश पानी जिससे कि जो नींबू की खटास है वो निकल जाए। तो इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने छान लिया है और यहाँ पे मुझे इसके पनीर के क्यूब्स बनाने हैं। तो इसके लिए एक प्लेट लिया है, इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी, कोई भी बड़ी छन्नी ले लें आप। और उसके बाद हम लेंगे पनीर का मोल्ड। तो इस तरह से मोल्ड आता है, आपको अमेजोन पे या ऐसे भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। ये लगा दिया है और उसके बाद जो छेना हमने निकाला है ना, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। हमें इसे सेट होने के लिए रखना होगा। तो जितना छेना मैंने निकाला था वो सारा इसमें डाल दिया है और चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसको लेवल कर लेंगे जिससे कि सेट होने के बाद जो पनीर के पीसेस निकले वो बराबर से हो। तो इस तरह से मैंने इसको बराबर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे कोई भी भारी चीज़। तो यहाँ पे मैंने इमाम दस्ता रखा है और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और 2 घंटे के बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाएगा। बस जो प्लेट आप लीजिएगा वो थोड़ा गहरा हो जिससे कि जो भी इसका पानी एक्स्ट्रा निकले वो नीचे इससे लगे ना। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इसको अलग कर लिया है, इस तरह से ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। फिर आपको इसे जिस भी शेप में कट करना है कट कर लें। और अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। त्योहारों का समय है और अक्सर कुछ ना कुछ पनीर की डिश बनती ही है, तो पहले आप पनीर इस तरह से घर में बनाएं, फिर आपको जो भी बनाना है उससे बनाएं, देखिएगा उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है और 2 से 2.5 घंटे में ही आराम से सेट हो जाता है। तो रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखें।